हेलो डियर एवरीवन, मैं हूं संजय राय भट्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी में। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक दी रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी और पेज नंबर है 12। 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद राजतंत्र के समर्थक ने पुनः राजतंत्र की स्थापना की और इस प्रकार से राजतंत्र की शुरुआत हुई। अब जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने राजतंत्र का विरोध किया था, अब उनके लिए बुरा समय था, उनके लिए डरने की बात थी और यही कारण था कि 1815 में राजतंत्र की पुनः स्थापना होने के बाद ये क्रांतिकारी अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल यह नहीं है कि उन्होंने अपने आंदोलन को बंद किया। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू किया, संस्थाएं बनाना शुरू किया और इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज को बना करके उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा, मोनार्की को हटाने के लिए आंदोलन जारी रखा और इस प्रकार से गुप्त संगठन बना करके, सीक्रेट सोसाइटीज बना करके अपने संघर्षों को जारी रखा और अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना जारी रखा। तो इसी प्रकार से गुपचुप तरीके से सीक्रेट सोसाइटी बनाकर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने वाला और राजतंत्र के खिलाफ काम करने वाला, राजतंत्र को समाप्त करने का प्रयास करने वाला एक व्यक्ति था, एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था गिस्पी मेजनी। वह जो एक सीक्रेट सोसाइटीज कार्बोनरी का सदस्य था, बाद में गिस्पी मेजनी ने दो और सीक्रेट सोसाइटीज का निर्माण किया जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। और इन दो सीक्रेट सोसाइटीज को बना करके मेजनी ने अपने आंदोलन को जारी रखा, मोनार्की को समाप्त करने का आंदोलन जारी रखा, इटली के यूनिफिकेशन के लिए अपने आंदोलन को जारी रखा। बाद में यानी कि मेजनी के सीक्रेट सोसाइटीज से प्रेरित होकर के दूसरे कंट्रीज में भी जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड आदि देशों में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनना शुरू हुआ और बृहद पैमाने पर राजतंत्र को हटाने के लिए संघर्ष जारी हो गया। इससे राजतंत्र के समर्थक काफी घबरा गए और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने यहां तक कह डाला मेजनी के लिए कि यूरोप का सबसे बड़ा दुश्मन, यूरोप के राजतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वह है गिस्पी मेजनी है। तो इस प्रकार यह टॉपिक यहाँ समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।